सोलन में पिछले कल वार्ड नंबर 12 की महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे और इसीलिए उन्होंने सोलन पुलिस चौकी के सामने सड़क पर जाम लगाकर इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं मौके पर पुलिस कर्मियों ने तुरंत मौके को संभाला और जाम को खुलवा दिया। मायके पक्ष का मानना है कि ससुराल पक्ष उन पर हमेशा दहेज का दबाव बनाता था और उनकी लड़की से मारपीट करता था। यही कारण रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, इसीलिए ससुराल पक्ष पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मृतिका के परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी को मार दिया है। मृतिका अपने पीछे दो छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई हैं, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना यहां होती रही तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। वहीं मृतिका के भाई ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो वो पुलिस चौकी के सामने अपनी जान दे देगा। इंसाफ चाहिए, बच्ची को इंसाफ दिलाओ, इसकी माँ छीनी है उन्होंने, 2 साल की बच्ची है। क्या देखा है, बहुत अच्छा है, अच्छा इंसाफ नहीं हो रहा, इतनी दूर से आए यूपी से, कोई कारोबार नहीं सुनाई दे रहा जी। अगर ऐसा होता रहे तो किसी की लड़की की शादी नहीं होने की किसी के घर में, अगर ऐसा होता रहा, अगर इंसाफ नहीं मिला ना यही मर जाऊंगा मैं, अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो। बस